इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान के तहत बुधवार को तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें 22 दुकानों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। इन दुकानों को लेकर पिछले दिनों कुछ शिकायतें भी हुई थी, जिसके बाद यहां कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। हालांकि यहां किसी भी तरह के विवाद की स्थिति नहीं बनी। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुकानों को पोकलेन से जमींदोज कर दिया। वहीं प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि शहर में आगे भी इसी तरह के एंटी माफिया अभियान जारी रहेंगे। बेसिकली अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इसमें दो ऐसे निर्माणकर्ता थे जिन्होंने बिना बिल्डिंग परमिशन के रोड के साइड में दुकानों का निर्माण कर लिया था और लगभग 1 जगह 5,000 स्क्वायर फुट, 1 जगह 3,000 स्क्वायर फुट पे लगभग 15 और 1 जगह 20 से अधिक दुकानें बनाई गई थी। क्योंकि रोड के किनारे ये ज़रूरी है कि बिल्डिंग परमिशंस ली जाएं, जो बिल्डिंग परमिशंस के नॉर्म्स हैं उनका हम लोग पालन करें, अन्यथा की दशा में आगे चलकर रोड्स और बाकी सभी चीज़ों में भी दिक्कतें आती हैं, पार्किंग की दिक्कत रहती है। तो इसी को लेकर ये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो ऐसे निर्माण हैं जो अवैध निर्माण हैं या फिर कुछ लोगों ने परमिशन ली है लेकिन उनके वायलेशंस किए हुए हैं या अन्य इस प्रकार की श्रेणी में आने वाले जो निर्माण हैं वो टीम ने चिन्हित किए हैं और आगे भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।